यार मैं क्या करूँगा यार, मेरा क्या होगा यार। मम्मी पापा ने सब कुछ रेडी कर रखा है, सब कुछ ओके है। हे गाइस, कैसे आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आपको और भी अच्छा करने लेके आई है फिर से एक बहुत ही धमाकेदार वीडियो। सो गाइस, आज के जो वीडियो के रिएक्शन होने वाला है वो बहुत ही फाड़ होने वाला है, क्योंकि आज मैं प्रैंक करने वाली हूँ। किस पे? कुछ अलग सोचा है यार, प्रैंक करने वाली हूँ अपने सिस्टर के, अपनी बहन के बंदे पे। तो यार वीडियो के जो रिएक्शन है, आप खुद चलकर वीडियो को देखो। बंदे को एक बार फ़ोन लगा लेते हैं, बंदे को मिलने के लिए बुला लेते हैं, बंदा आएगा और बंदे के रिएक्शन देखते हैं। मज़ा आने वाला है वीडियो में, स्किप मत करना वीडियो को बिल्कुल भी। हम लोग मिलते हैं वीडियो के बाद। पता नहीं आएगा नहीं आएगा। हेलो वैभव। हाँ साली साहिबा, कैसे हैं आप? बढ़िया, आप कैसे हैं जीजू? बस बढ़िया, और बहुत दिन हो गए मिले नहीं। यार मिलने के लिए तो आ रखे, तुम्हारे घर के नीचे ही है। अरे क्या बात है यार, अभी तो कुछ काम कर रहा था मैं। यार अब मैं तुमसे मिलने आई हूँ यार, रिस्क लेके, और तुम ऐसे बोल रहे हो काम कर रहा था। अच्छा चलो 5 मिनट रुको, मैं भी आता हूँ। आ रहे हो ना नीचे गोल सर्कल वाली पार्क, जहाँ पे हमेशा बैठते हैं हम लोग। बिल्कुल साली साहिबा, अभी आया। ठीक है ओके। तो भाई बंदा आने को तैयार हो गया, कैमरा हाइड कर लो और अच्छे से संभाल लेना थोड़ा सा, है ना। वेट करते हैं थोड़ा सा। हाय, कैसे हो? बढ़िया यार, आप कैसे हो? बस बढ़िया। कैसा चल रहा है सब कुछ? बस ठीक चल रहा है, एवरीथिंग इज गोइंग वेल। चलो फिर ठीक है। और दीदी के साथ क्या चल रहा है? बस सब अच्छा हो गया यार, अब तो बस शादी की तैयारी करने लगे हैं। शादी की तैयारी? हाँ। तुम्हें बताया ना उसने क्या? हाँ शादी के बारे में। हाँ सब 2 दिन पहले मेरी बात हुई है, सब कुछ ठीक है, हम लोग शादी करने वाले हैं। कब करने वाले तुम लोग शादी वैसे? बस आने वाले 3 महीने के बाद की डेट है। सच में? हाँ क्या हुआ? कब बात हुई थी लास्ट तुम्हारी दीदी से? 2 दिन पहले। जैस्मिन दी से बात कब हुई थी? 2 दिन पहले। हाँ कल बात नहीं हुई? नहीं कल तो नहीं बात हुई। तो तुम लोग 2 दिन का गैप, तुमने 2 दिन के गैप मतलब गैप दिया, तुमने बात ही नहीं करी कोई? हाँ फिलहाल तो अभी कोई बात नहीं हुई। यार मैं तुम्हें ना पता किस लिए आई हूँ यहाँ बताने, क्योंकि जैस्मिन दी ने ही मुझे यहाँ पे भेजा है तुमसे मिलने के लिए। उन्होंने बताया है कि वो तुम्हें फेस नहीं कर सकती, इसलिए मैं मुझे यहाँ पे भेजा उसने कि उन्होंने शादी के लिए घर पे मम्मी पापा को हाँ कर दिया। कैसी बातें कर रही हो? मैं सच बोल रही हूँ, तभी तो मैं आई हूँ। मतलब मैं पागल हूँ कि यहाँ पे तुमसे मिलने आऊँगी इतनी दूर? शादी के लिए हाँ बोल दिया उन्होंने घर पे, और मतलब आफ्टर 2 मंथ्स सब कुछ। हाँ शादी तो वादी हो रही है। मेरे से शादी होने? नहीं नहीं तुम्हारे साथ नहीं, उस वीरेंद्र नाम का लड़का याद है जो उसका दोस्त हुआ करता था? हाँ उसका बेस्ट फ्रेंड था। बेस्ट फ्रेंड वीरेंद्र? हाँ। तो उसी के साथ ही फिक्स हो गया यार। अरे कैसी बातें कर रहे हो यार, पागल हो गया यार तुम। मतलब मैं पागल हूँ? मैं तुमसे मिलने के लिए आई हूँ, तुम्हें बताने के लिए आई हूँ, क्योंकि दीदी तुम्हें फेस नहीं कर सकती अभी। अरे जैस्मिन मेरे साथ कैसे कर सकती है यार ऐसे? अब जैस्मिन का मुझे नहीं पता यार, देखो उसने क्यों किया, उसने जो मुझे इन्फॉर्मेशन देने को बोला मैं तुम्हें देने आई हूँ यहाँ पे। और वैसे भी यार वो बोल रही थी कि तुम्हें जो टाइम दिया तुम उतने टाइम में कमा धमा नहीं पाए, कुछ कर नहीं पाए, तो तुम उसे खुश कैसे रखोगे? समझ रहे हो ना बात को? अरे तो उसको मुझे थोड़ा टाइम देना चाहिए ना यार, माना आज सैलरी कम है यार, आज सिर्फ 15,000 रुपये कमा रहा हूँ, आने वाले टाइम में इंक्रीमेंट होगा ना यार। इंक्रीमेंट होगा लेकिन पता नहीं ना कब होगा, तुम्हें पता है ना प्राइवेट जॉब्स में कितना टाइम लगता है प्रमोशन का भी और हर चीज़ को लेके। तो यार अब लड़की अपनी तो खुशी देखेगी ना कि जहाँ वो खुश रहे। मुझे पता है वो तुमसे प्यार करती है, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन शादी एक ऐसी चीज़ है जो हर चीज़ देखी जाती है जिसमें। और यार मुझे ऐसा नहीं लगता कि इस चीज़ में वो गलत है। तो 2 दिन में ऐसा क्या हो गया यार? शादी रिश्ता आया, दोस्त थे अच्छे और घर वाले पसंद करते थे फैमिली को, एक दूसरे की फैमिली एक दूसरे को पसंद आ गई और फिक्स हो गया। यार देखो मुझे पता है ना तुम प्रैंक वगैरह करते हो यूट्यूब पे, कहीं कैमरा कहाँ लगा यार? कैमरा कहीं? बताओ ना यार। नहीं देखो ऐसा नहीं हो सकता यार, वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती यार, मुझे पता है वो मुझसे बहुत प्यार करती है। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो फोन कर लो, वैसे वो मुझे पता है फोन नहीं उठाएगी, क्योंकि उसने बोला है कि वो तुम्हें फेस नहीं कर सकती, अब वो डायरेक्ट शादी कर रही है, 2 महीने बाद फिक्स है। तो प्लीज़ हाथ जोड़ के तुमसे तहे दिल से रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ उनकी ज़िंदगी में दखल अंदाजी मत देना, क्योंकि हमारे घर पे सब कुछ फिक्स हो चुका है और तुम्हें पता है ना इज्जत बेइज्जती का सवाल होता है यार। अरे तो मुझसे एक बार बात तो करनी चाहिए थी ना, मैंने क्या बिगाड़ा उसका यार? यार तुम समझो तुम अभी तक कुछ कर नहीं पाए हो, उसकी वो सोच है और हर लड़की की होती है, जब तक तुम कुछ कर नहीं पाओगे तो कैसे मैनेज करेगी यार लड़की? तो मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ यार, मैं उसके बिना नहीं जी पाऊंगा यार। अब मैं क्या कर सकती हूँ यार, मेरे को तो बस उसने इन्फॉर्मेशन देने के लिए बोला था और मैं आ गई और तुम्हें बताने। यार मेरे को बिलीव नहीं हो रहा, तो मेरा चूतिया ना बनाओ यार, बहुत हो रहा है यार, ओवर एक्टिंग मत करो यार। यार तुम ऐसे कैसे वर्ड्स यूज कर रहे हो पहले ये बताओ। यार तो तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो मुझे यार? मेरे को तो ऐसा लगता है मैंने आके गलती कर दी, क्योंकि मैं तुम्हें जस्ट बताने आई हूँ, दीदी ने बोला था कि बता दियो जाके वैभव को कि ये सीन है, और मैंने तुम्हें बता दिया।
अब इसमें मेरे मैं का गलत हूँ, वो तुम जैस्मिन से बात करो, वैसे वो फोन नहीं उठा रही, प्लीज हमारे घर पे मत आना यार, बहुत कलेश हो रहा है। बैठो तो सही, मुझे बात करनी है प्लीज। तुम डरो मत, ऐसे रिएक्ट मत करो प्लीज, सब देख रहे हैं। देखो मेरी बात सुनो। अरे यार देखो, तुम्हें उससे भी अच्छी लड़की मिल जाएगी, मुझे पता है तुम इतने अच्छे दिखते हो यार तुम। अरे तो जब मुझ में कोई कमी नहीं है तो वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर सकती है? तो यार हर लड़की को ये चीज़ चाहिए होती है ना कि उसका बंदा अच्छा खासा कमाए, तभी तो वो शादी के लिए सोचती है। यार एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड अलग चीज़ है, लेकिन शादी के बारे में जब आती है ना बात, भाई हर लड़की सोचती है यार, और लड़की गलत नहीं होती इसमें। अरे मेरे को बात करनी है यार, मैं प्लीज उसके बिना नहीं जी पाऊंगा यार, प्लीज समझो ना मेरी बात को यार। अब मुझे ये नहीं पता, मेरे को तो जस्ट इन्फॉर्मेशन देनी थी और मैंने तुम्हें दे दी, मैं तो बस यही बताने आई थी तुम्हें, और बस मैंने तुम्हें बता दिया, मेरा फर्ज है वो पूरा हो गया। आई एम सो सॉरी, आप मेरी चीजू नहीं बन पाओगे। अब रोने क्यों लग गए यार? मैं क्या करूँगा उसके बिना यार। यार सुनो, रो क्यों रहे हो? सुनो यार, मैंने बहुत सारे सपने सजाए थे उसके साथ यार, सब मिट्टी में मिलते नजर आ रहे हैं। उसने मुझसे एक बार बात करना भी सही नहीं समझा यार। यार देखो, कुछ उसकी खुशी और बाकी मम्मी पापा भी तुम्हें पता है ना कितने स्ट्रिक्ट है हमारे। यार मैं क्या करूँगा यार, मेरा क्या होगा यार? मम्मी पापा ने सब कुछ रेडी कर रखा है, सब कुछ ओके है। अब तुम्हें पता है मम्मी पापा को इज्जत का कितना, इज्जत बेइज्जती का कितना डर रहा है। अब उन्होंने सब कुछ हाँ कर दिया, अब तुम ऐसे कमजोर पड़ोगे, देखो मैं कैसे जा पाऊंगी यहाँ से। तो मैं क्या करूँगा उसके बिना? यार तुम जिंदगी में आगे बढ़ो, कुछ कमाओ, सब सही हो जाएगा। तो तुम्हारी किस्मत में शायद कोई और है, समझो। यार हमने साथ जीने मरने की कस्में खा रखी है यार। वो सब खाते हैं रिलेशनशिप में, वो सब बकवास है, बकचोदी है, उसे छोड़ो, कुछ नहीं होता ये सब। लेट इट बी यार, जाने दो, तुम्हें ज़रूर कोई अच्छी लड़की मिलेगी, प्लीज़ डोंट क्राई। अच्छा सुनो, रो तो मत, शादी का कार्ड भी लाई थी मैं तो। हाँ हाँ Come on, यार शादी का कार्ड भी है दूँ यार मैं क्या यार सुनो, अच्छा रो मत, एक बात बतानी थी तुम्हें, एक चीज़ बताना भूल गई। बोलो यार। मैं ना प्रैंक कर रही थी यार। तुम मैंने तुम्हें बोला था ना तुम्हारा रोज का गाना। अच्छा कैमरा कहाँ लगा ये बताओ यार, मेरे को क्यों नहीं यार? अच्छा नहीं किया यार तुमने, माफी दे दे जीजू, इसके साथ खेला यार। यार जीजू माफ कर दे यार, मजाक कर रही थी, देख सामने कैमरा लगा हुआ है। पता मैं तेरी बहन के बिना नहीं जी सकता। हाँ तो मुझे पता है ना यार, मजाक कर रही थी। और भाई मेरी बहन का ही हाथ है इन सब में, तुम्हारी बंदी का ही हाथ है, तुम्हारे होने वाली पत्नी का ही हाथ है इसमें कि प्रैंक कर दे मेरे बंदे पे। ठीक है, फोन करके उसे अपने आप बता देना उसने साथ दिया भाई। अच्छा सॉरी यार, हर्ट किया हुआ तो रुला दिया मैंने तुम्हें, इतना प्यार। ऐसे भी लड़के होते हैं देख रहे हो, जो कितना प्यार करते हैं यार अपनी बंदी से, ऐसे लड़के हो तो मज़ा आता है यार। मुझे तो मिला ही नहीं है, कोई हो तो कमेंट करके बता देना यार, मुझे मिल जाएगा कोई अच्छा प्यार करने वाला लड़का। मेरे लिए भी ढूंढ दो कोई अच्छा सा लड़का। चलो हाय कर दो मेरी फैमिली को। हाय। तो ये होने वाले जीजू है मेरे, और जल्दी से बोल दो यार 1 मिलियन का सफर पूरा करा दो। कितनी मेहनत करती है लड़की धूप में। अरे लड़की बहुत मेहनत कर रही है यार, इनका चैनल सब्सक्राइब कर दो फटाफट, लाइक कर दो, कमेंट करो, लाइक करो, दबा के शेयरिंग करो। हाँ और आप भी कर देना ये वाली वीडियो, डेफिनेटली थैंक यू। चलो आओ कुछ खिलाती हूँ। सो गाइस कैसी लगी आप लोगों को वीडियो? आई होप आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी, तो यार लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और जिसने यार अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे बड़ी बात, जल्दी से जाके सब्सक्राइब करो, घंटे को दबा दो यार, जल्दी से 1 मिलियन का सफर पूरा करा दो। बाकी अच्छी वीडियो तो लाते रहेगी, हम भी हंसते रहेंगे और आपको भी हंसते रहेंगे। मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।